बच्चों, क्या हाल चाल? तो ठंड की छुट्टियां खत्म पर हैं और एग्जाम्स सर पर हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएचएम का लेक्चर नंबर 5। और आज टॉपिक है ग्राफ्स इन एसएचएम। तो ग्राफ्स इन एसएचएम एक बहुत ही इजी टॉपिक है और शुरुआत में मैं करा नहीं पाया, भूला नहीं था, स्पेस नहीं मिल रहा था किसी वीडियो में कि कहां पर उसको घुसाया जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है पर जरूरी भी है पढ़ना। अभी 2009 में आईआईटी में एक सवाल आया था जो ग्राफ पढ़ने के बाद ऐसे हो जाएगा। कुछ अच्छी बातें भी मिलेंगी इसके अंदर। एक बेसिक सा ग्राफ है तो बस कॉपी और पेन निकाल लें, जितने रूल्स बताएंगे उनको लिख लेना। शुरू में करके दिखाएंगे, उसके बाद कुछ नियम से रटवा देंगे। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत चैनल फिजिक्स वाला। आज पढ़ेंगे ग्राफ्स इन एसएचएम। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, इधर उधर चूहा खाना बंद करो और टॉपिक पे आ जाओ। तो हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पे x इज इक्वल्स टू 0। ये राइट एक्सट्रीम, यहां बोलते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस a। और एक ये लेफ्ट एक्सट्रीम, यहां हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस a। हम एक बेसिक इक्वेशन ले लेते हैं सचिन की, बहुत ही बेसिक, बेसिक नहीं। जब मीन पोजीशन से हम राइट साइड को चले हों, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 पर हो और मूव किया हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका मोशन हो, हम ये वाले एसएचएम को कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद सबको कंसीडर करेंगे। बच्चों एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है आपको याद होगी, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कई बार डिस्कस किया हमने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाइव होता है इनिशियल फेज की, शुरुआत में पार्टिकल कहां पे है। तो इस कंडीशन को अगर उसमें हम रखेंगे तो फाइव की वैल्यू जीरो आएगी। यानी इस कंडीशन में जो एसएचएम की इक्वेशन है वो बनेगी ए साइन ओमेगा टी। अब आपको जानना है कि पर्टिकुलर कंडीशन पे कौन सी इक्वेशन बनती है, तो इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो कर रखा है एसएचएम 02 फिजिक्स वाला। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे एसएचएम 02 फिजिक्स वाला, वहां मैंने सिखाया कि कैसे कैसे ये इक्वेशन ये बन जाएगी या कुछ और बन जाएगी। आप ये समझो अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजिशन पे है और वहां से राइट में चलता है तो उसकी इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी, और पीछे चलेगा तो इक्वेशन बनेगी माइनस ए साइन ओमेगा टी। इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से अगर शुरुआत करेगा मोशन तो इक्वेशन बनेगी ए कॉस ओमेगा टी। टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से अगर शुरुआत करेगा मोशन तो बनेगी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये चार बहुत ही बेसिक इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर टी इज इक्वल टू 0 पे मीन से राइट में गया तो ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट में गया तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, वहां से चला तो ए कॉस ओमेगा टी, यहां से चला तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो x is equals to a sin omega t। सबसे पहले हम इसी का ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट का, x वर्सेस टाइम, का ग्राफ बनाएंगे। प्यारे बच्चों हम ओमेगा को क्या 2 pi by t लिख सकते हैं, where t is time period। तो a sin omega t को मैं आगे लिखता हूं, यहां लिखता हूं x is equals to a sin omega t। ओमेगा को क्या लिखेंगे, टन 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 ओमेगा का 2 pi by t, बन गया। अच्छा यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, टाइम को यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे t by 4 लिया, यहाँ पे t by 2 लिया, यहाँ पे इसको मिटा दूँ मैं, अच्छा यहाँ पे 3t by 4 लिया और यहाँ पे टाइम पीरियड t लिया। ये चार इंटरवल ही हमको बार बार देखने हैं, ठीक है। t by 4, t by 2, 3t by 4 एंड टी, यहां ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अगर इसको देखना चाहो तो जब यहां से चलोगे, यहां जाते वक्त टी बाई फोर, फिर यहां आए टी बाई टू, फिर यहां गए थ्री टी बाई फोर, फिर यहां लौटे टी। एक टाइम पीरियड क्या होता है, जूम 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 जूम, ये हुआ एक टाइम पीरियड, ये होता है एक टाइम पीरियड। टी बाई फोर, 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 टू टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर और फोर टी बाई फोर। क्लियर? अच्छा चलो अब इसमें वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले आप टाइम की वैल्यू 0 रख दो, टी की वैल्यू 0 रख दो। टी की वैल्यू 0 रखने पे, 0 रखने पे ए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब पार्टिकल का जो x है वो 0 आएगा। बात भी सही है, देख भी रहे हमने, यही तो हमने माना भी।
अब टी की जगह आप टी बाई फोर रखो, एकदम साफ वहां दिखाई पड़ेगा सब। टी की जगह कैपिटल टी बाई फोर, इसे टी की जगह कैपिटल टी बाई फोर जरा यहां रखो, टी बाई फोर, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल होगा, टू पाई बाई फोर आएगा, टू से फोर कैंसिल, तो बचेगा ए साइन पाई बाई टू। हाँ या ना, रख के दिखाओ, यहां पे टी बाई फोर रखोगे, टी से टी कैंसिल, टू से टू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू आएगी a, यानी t बाई फोर पे x की वैल्यू होगी a। कैसी a आ रही? प्लस a। देखो है भी t बाई फोर पे यही तो पहुंचा, प्लस a पे। हमने ये वाला सिचुएशन लिया है जब t इज इक्वल टू 0 पे वो x इज इक्वल टू 0 पे है और पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा हो। अच्छा, इसको वापस वैसे ही दे दूं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t बाई यहां पे t। अब t की जगह आप रखो t बाई टू, कैपिटल t बाई टू, ये टाइम तो बच्चों t बाई टू पे वापस यहां आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो बाई t बाई फोर, t बाई फोर दो बाई t बाई फोर मतलब t बाई टू, t बाई फोर, t बाई फोर, t बाई टू, वापस x जीरो आना चाहिए। जरा चेक करो t की जगह t बाई टू यहां आ गया टाइम में, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अब t की जगह 3t by 4 यहां आ गए, माइनस ए आना चाहिए, रख के देखें, t की जगह 3t by 4, t से t कैंसिल, 2 under 2, 2 2 जा 4, यानी a sin 3 pi by 2, अरे t से t कैंसिल, 2 under 2, 2 2 जा 4, a sin 3 pi by 2, यानी 3 into 90, यानी 270, sin 270 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1, ये वैल्यू आई माइनस 1 into a, माइनस a, यानी इस जगह पे पार्टिकल यहां पे है, माइनस लिख रहे, बोलो क्लियर दिख भी रहा, 3t by 4 को कैंसिल, टू टू साइन 270, 270 इज माइनस 1। अब लास्ट में t इज इक्वल टू t, यहां ये 3t by 4 यहीं वापस आ गए, t इज इक्वल टू t, x 0 आना चाहिए, आओ देख ले, साइन 2 पाई बाय t और t की जगह t, t से t कैंसिल, साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, मतलब साइन 0, फिर से साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, यानी इन सभी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें साइन ओमेगा टी का ग्राफ मिलेगा, ये रहा ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद कोई कहता है आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, आपने डिस्प्लेसमेंट का बना दिया, फिर आपसे कहता है एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ। अब आसान है, देखो यहां से सिंपल, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीएक्स बाई डीटी, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका ग्राफ देखो मैं अब आपको दिखा देता हूं, अब आपको भी आसान लगेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मैं ये सारी चीजें मिटा दूं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब जरा बताओ मुझको, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, एक्सट्रीम पे पहुंचता है वेलोसिटी जीरो होती है, और यहां एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी जीरो, रुकता है ना, जूम रुकता है ना, तो एक्सट्रीम पे आके जीरो और मीन पे मैक्सिमम, t इज इक्वल टू जीरो पे हमने माना पार्टिकल मीन पे था, यानी शुरुआत में t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए शुरू में, यहां लिख दे रहा हूं, छाप रहा हूं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। जरा यहां पे टी की जगह जीरो रख के देखो, टी की जगह जीरो रखोगे तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन, यानी वी आएगा प्लस ए ओमेगा, तो जब टाइम जीरो है तो वी की वैल्यू है प्लस ए ओमेगा, विच इज ऑल्सो द मैक्सिमम वेलोसिटी। इतने वीडियो में आप ये चीज पढ़ चुके हो कई बार कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा, ये रही, ये पहला पॉइंट। फिर t की जगह आप रखोगे ये कितना टाइम हुआ? t बाय फोर, t की जगह t
बाय फोर, फिर टी बाय टू, फिर थ्री टी बाय फोर, फिर टी, यही हो गया। अच्छा ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी लिख लिया जाए, ओके। सो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस टू पाई बाई टी इंटू टी। अब स्मॉल टी की जगह टी बाई फोर, बच्चों यहां पर टी बाई फोर रखोगे, कैपिटल टी से टी कैंसिल, टू टू जा फोर, ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो, देखो भाई यहां पे समझ में आ रहा है। फिर टी बाई टू रखोगे, टी बाई टू रखोगे, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, यानी माइनस ए ओमेगा, यानी टी बाई टू पे वैल्यू आएगी कहीं यहां माइनस ए ओमेगा, थ्री टी बाई फोर। अच्छा देखो टी बाई फोर यहां हुआ, टी बाई टू यहां, टी बाई टू पे क्या हुआ, पार्टिकल वापस लौट रहा होगा, ए यहां गया, इस टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ ए ओमेगा, इसीलिए माइनस ए ओमेगा आ रही है। फिर यहां पहुंच गए हम, टी इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए यहां पे, थ्री टी बाई फोर, टी से टी कैंसिल, टू टू जा फोर, थ्री टी बाई फोर, टी से टी कैंसिल, टू टू जा फोर, यानी cos 270, cos 90 भी जीरो होता है, cos 270 भी जीरो होता है, यानी यहां वैल्यू आएगी जीरो, क्लियर, जीरो दिख भी रहा है। अब लास्ट वैल्यू, लास्ट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, लास्ट हो जाएगा जब एक टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हुआ, t इज इक्वल टू कैपिटल t, t इज इक्वल टू कैपिटल t रखोगे, कैपिटल t से कैपिटल t कैंसिल, cos 2 पाई यानी cos 360 यानी जीरो, cos 0 इज 1 यानी वैल्यू आएगी प्लस a ओमेगा, तो यहां पे फिर से प्लस ए ओमेगा। तो ये चार पॉइंट आपको मिल गया, अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, थोड़ा स्मूथ कर्व बनेगा, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, ये वेलोसिटी शुरुआत में मैक्सिमम है, टी बाई फोर के बाद जीरो है, फिर टी बाई टू जब हुआ तो वेलोसिटी इस तरफ मैक्सिमम, फिर 3t by 4 पे वेलोसिटी फिर जीरो, फिर t के बाद वेलोसिटी फिर मैक्सिमम, क्लियर है, समझ गए। लास्ट में हमको बनाना है एक्सेलरेशन का ग्राफ, चलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ देखते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, dv by dt करके वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलेंगे a ओमेगा, यहां लिख देता हूं a ओमेगा और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t और एक ओमेगा बाहर आएगा, यानी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बोलो सही है, कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा बाहर आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या ये लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन टू पाई बाय टी इंटू टी, ओमेगा की जगह, क्लियर है। बस अब देखो मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूं, अब सुनो 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 सुनो, ये जो ग्राफ बनेगा वो साइन ओमेगा टी का ही ग्राफ है, क्या आप साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना चुके हो और उसके आगे माइनस लगा है, यानी ये जो ग्राफ ऐसे दिख रहा है ना, यही ग्राफ का उल्टा ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ, बना के देख लो, एक बार बना लो फिर अगले सेम बनाना छोड़ देंगे, एक बार तो बना ही लो कम से कम। यहां पे हम ले लेंगे टी बाय फोर, यहां पे टी बाय टू, यहां पे थ्री टी बाय फोर और यहां पे टी, चलो इसको मिटा दे। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम SHM की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कहां से, मीन से, वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मतलब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहां पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा और यहां पे भी एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। अब माइनस प्लस की कहानी समझना पड़ेगा, यहां पे जब आओगे तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ मतलब पीछे, यहां हो गया एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ मतलब आगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहां एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस है, तो यहां माइनस से रखोगे माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे वहां एक्स की वैल्यू प्लस है, प्लस से रखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये होना चाहिए। यहां पे एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे कितना होता है एसएचएम में, जीरो। तो प्यारे बच्चों टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए, आओ देखें टी की वैल्यू जीरो रखो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, t by 4 मतलब एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और रख के देखते हैं t by 4 t कैंसिल sin 90 आएगा, sin 90 की वैल्यू बोलो 1, यानी a की वैल्यू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, तो t by 4 पे a की वैल्यू माइनस a ओमेगा स्क्वायर। t by 2 मतलब यहां ये था t by 4
टी बाय टू मतलब यहां आ गए, एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए, चेक करो टी टी कैंसिल, टू टू जा फोर, टी बाय टू टी टी कैंसिल और टू टू कैंसिल है ना, टी बाय टू टी टी कैंसिल टू टू कैंसिल, साइन वन एट्टी, साइन वन एट्टी की वैल्यू जीरो, सॉरी यहां एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, बोलो सही है, टी बाई फोर पे वैल्यू ये है, टी बाई टू पे वैल्यू जीरो, फिर यहां है थ्री टी बाई फोर पे, ये आनी चाहिए, चेक कर लो थ्री टी बाई फोर, ये कैंसिल, टू टू जा फोर, साइन टू सेवेंटी, प्यारे बच्चों साइन टू सेवेंटी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी टी बाई यहां पे वैल्यू आएगी प्लस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर फाइनली हम आ गए यहां t इज इक्वल टू t, एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए, चेक कर लो 2 पाई बाय t इनटू t, t की जगह हमने रखा जीरो, सॉरी कैपिटल t, कैपिटल t से कैपिटल t कैंसिल, sin 360 यानी sin जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब ये बनेगा एक्सेलरेशन ग्राफ। ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट का जस्ट नेगेटिव ग्राफ है, यही तो मैं पहले बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट का जस्ट नेगेटिव। अब बच्चों बार बार आपको इक्वेशन लिखकर टी की वैल्यू रिककर ग्राफ नहीं बनाना है, वेलोसिटी वाला थोड़ा सा कर्व्ड ग्राफ दिख रहा है, ऐसा होगा नहीं है, ये साइन कॉस का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो अब सही है, स्मूथ बन गया, ठीक ऐसा दिखना चाहिए। अब बार बार आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, टी की वैल्यू रखोगे, ये रखोगे, वो रखोगे, बनाओगे, अगर वहां से भी आपको रियलाइज करा दिया है बहरहाल, तो आप क्लियर होगे कि ग्राफ तो यही बनने चाहिए थे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप ग्राफ बनाओगे कैसे एक सेकंड के अंदर, है? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ चुटकियों में आसानी से कैसे बन सकता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लिया साइन का ग्राफ ऐसे, माइनस साइन का ग्राफ ऐसे, कॉस का कुछ ऐसे। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, आप सुनो मेरी बात और बिलीव करना जितना मैं बताऊंगा, उसके बाद किसी भी एसएचएम का ग्राफ आप चुटकियों में बना दोगे, यस यस बिलीव मी, चुटकियों में बना दोगे किसी भी एसएचएम का ग्राफ, आप मेरी बात सुनो, ये सब लिखा रहेगा, हाँ चलिए जैसा लिखा रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप कुछ ग्राफ बेसिक समझ लो, जो बच्चों साइन ओमेगा टी का ग्राफ था, सुनो वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अगर प्लस साइन ओमेगा टी का ग्राफ है तो ऐसा बनेगा, ये होगा टी बाय फोर, ये होगा टी बाय टू, ये होगा थ्री टी बाय फोर और ये होगा टी, समझ लो पहले। अगर माइनस साइन ओमेगा टी का कोई ग्राफ है तो वो ऐसे बनेगा, ए साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है जीरो से, माइनस साइन का ग्राफ नीचे चला जाएगा, ए ये हो जाएगा t by 4, ये हो जाएगा t by 2, ये हो जाएगा 3t by 4 और ये हो जाएगा t। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है cos omega t का ग्राफ, तो प्यारे बच्चों cos omega t का ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, जैसे आपने देखा वेलोसिटी वाला ग्राफ cos का था, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ था, एक यहां से ये हो गया t by 4, ये हो गया t by 2, ये हो गया 3t by 4 और ये हो गया t। और बच्चों अगर माइनस cos ओमेगा t का ग्राफ है तो cos के ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते, प्लस cos का ओरिजिन के ऊपर से, माइनस cos का ओरिजिन के नीचे से, मतलब कि यहां से ये t is equals to zero, t by 4, t by 2, 3t by 4 और ये हो गया t। ये चार ग्राफ अगर आपके दिमाग में इमेज बन गई है तो आप एसएचएम का कोई भी ग्राफ चुटकियों में बना सकते हो। अगर ये चार ग्राफ आपके दिमाग में इमेज बना लिए हैं, इफ दीज फोर ग्राफ आर क्लियर इन योर माइंड, यू कैन मेक एनी ग्राफ ऑफ एसएचएम विद इन मिनट्स। साइन ओमेगा टी ओरिजिन से स्टार्ट, प्लस साइन है तो ओरिजिन के ऊपर जाना है, माइनस साइन है तो ओरिजिन के नीचे आना है, कॉस ओमेगा टी ओरिजिन के ऊपर या नीचे से, प्लस है तो ऊपर से स्टार्ट करो, माइनस है तो नीचे से। अब सुनो इसके आगे जो भी लिखा होगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मान लो इसके आगे लिखा है ए साइन ओमेगा टी, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये हो जाएगा तुम्हारा ए, पर मान लो इसके आगे लिखा हुआ है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू ए ओमेगा हो जाएगी,
मान लो इसके आगे लिखा है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, जो भी यहां लिखा है वो चिपक जाएगा एम्पलीट्यूड में। बाकी साइन का ग्राफ ओरिजिन से, प्लस साइन का ओरिजिन के ऊपर जाएगा, माइनस साइन का ओरिजिन के नीचे, कॉस का ग्राफ या तो ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से, प्लस का ऊपर से, नेगेटिव का नीचे से, खत्म खत्म। अब तुम चुटकियों में ग्राफ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, चुटकियों में। अब देखो जरा मैं कंडीशन देता हूं, इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी एंड ए वर्सेस टी। चुटकी में बनाना है, चलो खटाक से। टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम पे एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पे दिया है, कौन सी इक्वेशन होगी, ए कॉस ओमेगा टी की। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ग्राफ बताओ, कॉस का ग्राफ ओरिजिन से, की ओरिजिन के ऊपर नीचे से, ऊपर से, प्लस है तो ओरिजिन के ऊपर से, यहां से उठाओ, जूम जूम जूम, ये टी बाय फोर, ये टी बाय टू, ये थ्री टी बाय फोर और ये टी, ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा जो सामने लिखा है, एक खत्म। वेलोसिटी का बता सकते हो, v इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx by dt, a ओमेगा sin ओमेगा t, ये आएगा माइनस, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t, ओमेगा बाहर आ गया, यानी v का ग्राफ sin का ग्राफ है, v का ग्राफ sin का ग्राफ है। sin का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, ओरिजिन से किधर जाए, ऊपर की नीचे, नीचे क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, कंप्लीट, दिस इज t by 4, this is t by 2, this is 3t by 4 and this is t, clear। ये amplitude कितना हो जाएगा जो सामने लिखा है, a omega, नीचे minus a omega, ऊपर plus a omega, हलवा हो गया। acceleration a is equals to dv by dt, differentiate कर दो, minus a omega sin omega t का differentiation, cos omega t और एक omega बाहर आएगा, minus a omega square cos omega t, यानी acceleration का जो graph है, एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कॉस का है, कॉस का ग्राफ या तो ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से, माइनस लगाए मतलब नीचे से स्टार्ट करो, बन गया, ये t by 4, ये t by 2, ये 3t by 4, t मैग्नीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना है, a ओमेगा स्क्वायर। एक मिनट के अंदर तीनों ग्राफ बने 100% करेक्ट बने, मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी भी ग्राफ को कहीं से भी चेक कर लो, गलत हो ही नहीं सकता। चलो यहां मुझे बताओ, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दिखनी चाहिए, 0, भाई एक्सट्रीम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0, जरा वेलोसिटी ग्राफ देखो, t इज इक्वल 0 पे वेलोसिटी 0, कुछ भी कुछ भी, तुम्हें जो मानो पूछ लो हमसे। अच्छा t इज इक्वल टू 0 यहां, t बाय 4, t बाय 2, यहां से स्टार्ट हुआ ना, t बाय 4, t बाय 2, t बाय 2 पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर a, यहां से एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ होगा, कंफ्यूज तो नहीं होगा, प्लस ओमेगा, चलो वेलोसिटी देख लो, कुछ भी देख लो, वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, राइट में आनी चाहिए, प्लस ए ओमेगा टी बाय टू पे, सॉरी जीरो आनी चाहिए, एक्सट्रीम पे ना वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो, तो टी बाय टू पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, इस तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, टी बाय टू एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर, गलत हो ही नहीं सकता, कंसेप्ट पकड़ा आपने, छोटा सा लॉजिक था, मिटा दे मिटा दे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ग्राफ आपको परेशान कर सकता है, ऐसे चमका कुछ भी आपको दे, मैं बोलता हूं t is equals to 0 पे पार्टिकल इज एट x is equals to 0 एंड मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, यानी ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव में, मतलब ये इक्वेशन है x की, तो x is equals to minus a sin omega t, अब तो खेल है चुटकी का, sin का ग्राफ ओरिजिन से नेगेटिव लगा है तो ये नीचे, बाकी समझ गए ना, t by 4, t by 2, 3t by 4, capital T, आओ velocity का बनाया, भाई velocity का इसको differentiate करोगे तो आएगा cos omega t, so velocity का expression बनेगा minus a omega cos omega t, cos का ग्राफ या तो ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से, minus लगा है तो नीचे से, t t by 4 t by 2 3 t by 4 capital t, acceleration के लिए velocity को differentiate करोगे, cos omega t का differentiation, cos omega t का differentiation minus sin omega t, minus minus plus a omega sin omega t और एक omega बाहर आ जाएगा, यानी acceleration का जो graph है, तेज तो नहीं हो रहा, अरे हलवा चीज ना,
एस्केलेशन जो ग्राफ है टी के साथ वो कैसा है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से प्लस लिखा है मतलब ऊपर की तरफ। ये एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड ए ओमेगा, देखो ना ये एम्पलीट्यूड ए जो साथ में लिखा है वो एम्पलीट्यूड, जो साथ में लिखा है वो एम्पलीट्यूड, गलत हो ही नहीं सकता आपको। क्लियर हो गया, हलवा हो गया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जय में आया हुआ। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाएंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आएगी। यहां तक बातें क्लियर है, अब आप प्रैक्टिस के लिए इसका ग्राफ बना के खुद से देख लेना, चेक कर लेना, चेक करने के लिए वापस इसमें रख के सोचना ये सही है। और चेक कर लेते हैं, यहां से निकले टी इज इक्वल टू जीरो पे, हम यहां से निकले एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टी बाई फोर पे एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस है। और देखो टी इज इक्वल टू टी बाई फोर एक्स की वैल्यू आ रही माइनस है नीचे, कुछ भी चेक करो गलत नहीं होगा। टी इज इक्वल टू टी बाई फोर पे वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, जीरो। और देखो टी इज इक्वल टू ये है टी बाई फोर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। t is equal to t by 4 पे एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर a। ये देखो जादू जादू हो गया। क्या बात है सर, क्या तरीका बताया, मजा आ गया, मजा आया, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत आया। ये पहले लेक्चर में चाहता था मैं कवर करता सेकंड लेक्चर में, पर वो इतना लंबा हो गया था कि वहां पे कवर नहीं हो पाया बात, और बतानी भी जरूरी थी। जैसे आईआईटी 2009 में हमसे सवाल पूछा, 2009 में उन्होंने हमको एक ग्राफ बना के दे दिया, उन्होंने x वर्सेस t का ग्राफ दिया, एक SHM का ग्राफ कुछ ऐसा था, यहां पे x सेंटीमीटर में, यहां पे 1 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या, 1 सेंटीमीटर, और यहां पे माइनस 1 सेंटीमीटर, टाइम दिया है सेकंड्स में, यहां पे 4 सेकंड, यहां पे 8 सेकंड। हमसे पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन t is equals to 4 by 3 seconds, t is equals to 4 by 3 seconds, option दे रखे हैं a b c d, pi square by 32 centimeter per second square, minus pi square by 32 centimeter per second square, root 3 pi square by 32 centimeter per second square, minus root 3 by 32 pi square centimeter per second square। try करें कुछ से एक बार, ट्राई करें, सोच के आराम से मुझे बताओ क्या आप x का इक्वेशन लिख सकते हो, क्रॉस प्रोसेस, उल्टा सोचो, ये x वर्सेस t का ग्राफ साइन का है कि कॉस का है, साइन का है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और किधर गया, ऊपर गया मतलब प्लस, यानी x की इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा t। कुछ गलत बोल रहा मैं, सही तो बता रहा, ओरिजिन से किधर चले ऊपर, तो ए साइन ओमेगा टी, ए की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। सुनो अच्छा, आगे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बोला सही बोल रहे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, सही बोल रहे कि नहीं, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा बाहर आया, अब वैल्यू रखनी है, खत्म हो गया सवाल। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, यहां से टाइम पीरियड नहीं दिख रहा, टाइम पीरियड होता है जिसमें एक चक्कर कंप्लीट हो, ये कितना होगा t बाय 4, ये कितना होगा t बाय 2, ये कितना होगा 3t बाय 4, ये कितना होगा t, 8 सेकंड टाइम पीरियड, 8 सेकंड, ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 4, खत्म सवाल। a इज इक्वल्स टू माइनस a, a की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आया है पाई बाई फोर, तो पाई स्क्वायर बटे 16 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है पाई बाई फोर, और टी आपसे कितना बोल रहा है, कब निकालना है एक्सेलरेशन, 4 बाई 3 सेकंड्स पे, तो 4 बाई 3 साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, साइन पाई बाई 3, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बटे 16 इंटू रूट 3 बाई 2 यानी माइनस रूट 3 पाई स्क्वायर बटे 32, माइनस रूट 3 पाई स्क्वायर बटे 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया आ गया आ गया भाई, आहा अब फायदा समझ में आ गया, मिटा दे।
मैंने कहा भाई x का v की ग्राफ समझ जाओ कौन सी इक्वेशन है, खुद से लगा दो, उससे v की इक्वेशन लिख दो, उससे a की लिख दो, खेल खत्म हो गया। बोले आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? आगे। अच्छा अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन की और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन की और उनके ग्राफ की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो मानते हैं मेरे पास x की इक्वेशन है, कुछ भी मान लो a sin ओमेगा t। अच्छा यहां से v की इक्वेशन क्या बनेगी, a ओमेगा cos ओमेगा t, और एक्सेलरेशन की भी लिख ही लेते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। जरा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर v का, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यही बनेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, यही बनेगी इक्वेशन, यही बनेगी। अच्छा जरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना चाहोगे आप, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, कुछ बहुत ही खास चीज देखने को मिलेगी आपको। अब ये पता नहीं कोई एक पर्टिकुलर केस लिया है, ये वाला एसएचएम लिया है शायद, जब मीन से आप राइट में चल रहे हैं, कोई भी बनाओगे तो सिमिलर ग्राफ बनेगा, यानी t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए मैक्सिमम आनी चाहिए। जरा रख के देखो, t की वैल्यू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जब टाइम 0 है तब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ एम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर t = t by 4 रखोगे, यहां आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 आने चाहिए, जरा रखो t की वैल्यू t by 4 रखोगे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई by t रखोगे, अरे यार तुम वेलोसिटी पे रख लो, वेलोसिटी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। बोलो सही है, शुरू में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे 0, फिर t by 2, t by 2 पे आप velocity सोचो, t is equal to t by 2, वापस यही आए, velocity maximum होगी, velocity की maximum value होगी a omega, है? तो half m v square, half m a square omega square, कुछ समझ में आया क्या? नीचे नहीं गया graph, जाएगा भी, kinetic energy में v square है, हमेशा positive आएगी, यही बता रहा हूँ। भाई साहब जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, जब टाइम इसमें 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू बोलो 1, वेलोसिटी कितना आया a ओमेगा, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जब टाइम t by 4 हुआ तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एक्सट्रीम पे जाके 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, जब टाइम t by 2 हुआ मतलब यहां आ गए t by 2 यहां रखोगे ओमेगा की जगह 2 पाई by t, और यहां t by 2, t से t कैंसिल, 2 से t, cos 180 minus 1, यानी velocity आएगी minus a omega, यहां पे velocity इस तरफ जा रहा होगा पार्टिकल minus a omega से, पर जब kinetic energy निकालोगे half m, तो v की जगह a square omega square, kinetic energy फिर positive, कहने का मतलब kinetic energy ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो 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 ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, ये साइन का कॉस का ग्राफ नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है, सुनो ध्यान से अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, इन एसएचएम एक्स का ग्राफ होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि ये ए साइन ओमेगा टी को फॉलो करता है, वी का ग्राफ होता है एसएचएम का, क्योंकि ये भी ए ओमेगा cos omega t को फॉलो करता है, या sin omega t या cos omega t को, जो भी इक्वेशन फॉलो करती है उसके ग्राफ को हम बोलते हैं SHM का ग्राफ। जैसे मान लो a, तो a भी SHM को फॉलो करता है, a की वैल्यू है minus a omega square sin omega t, किसी भी प्रकार का SHM लिखो, xva या तो sin omega t या cos omega t या plus phi वाले तरीके में आएंगे, और वो सब SHM की ही इक्वेशन है। अभी मैं और डिटेल में जाऊंगा, पहले सुनो, पर काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या जो एक्स है, जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है,
वो अपने आप में एक पीरियोडिक चीज है। क्या एक्स वी और ए अपनी वैल्यूज को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम जीरो, यहां मैक्सिमम अपोजिट साइड में, यहां जीरो, फिर यहां मैक्सिमम इस साइड में, यानी वेलोसिटी अपने आप में एक SHM है। बात फील में लो, वेलोसिटी अपने आप में एक SHM है। वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो SHM कर रही है। पीरियोडिक भी है और SHM भी है, SHM भी है। SHM का मतलब होता है इस ग्राफ को फॉलो करे कोई क्वांटिटी। वेलोसिटी की जो वैल्यू वो इस ग्राफ को फॉलो कर रही है। सुनो, एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी के साथ क्या क्या हो रहा है। शुरुआत में मैक्सिमम t बाई फोर पे जीरो बना लेते हैं। सर ऐसा भी को बड़ा काम है, बना लो cos ओमेगा t का ग्राफ प्लस a, यानी यहां प्लस cos का कहां बनता है, ऊपर या नीचे से, प्लस है तो ऊपर से, ये लो को बड़ा काम है सर, लो बन गया। अब सुनो, ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी पहले मैक्सिमम हुई पॉजिटिव साइड में, फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम हुई नेगेटिव साइड में, फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम यहां पे आके, समझ रहे हो कि नहीं, फिर मैक्सिमम किस तरफ, पॉजिटिव साइड में। यानी वेलोसिटी की वैल्यू खुद अपने आप में पीरियोडिक है, अपनी ही चीज को फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रही, कितने देर बाद, टी टाइम के बाद। वेलोसिटी अपनी वैल्यू कितनी देर बाद रिपीट कर रही है, टी टाइम के बाद। ये रिपीट नहीं हुआ, देखो शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, प्लस ए ओमेगा, थोड़ी देर बाद जीरो, वहां पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वैल्यू कितनी है, माइनस ए ओमेगा, थोड़ी देर बाद जीरो, और उसके बाद फिर प्लस ए ओमेगा। यानी वेलोसिटी रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी वन टाइम पीरियड। यानी वेलोसिटी खुद भी पीरियोडिक है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू खुद भी ऑसिलेट कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू खुद भी ऑसिलेट कर रही है। वेलोसिटी अपने आप में एक SHM कर रही है। ये बात मैं सेकंड लेक्चर में बता ही नहीं पाया, कितनी कोशिश किया, वहां समय ही नहीं था, इतना लंबा लेक्चर था। अब फील हो रहा होगा, वेलोसिटी अपने आप में SHM कर रही है, यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो खुद SHM कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। वेलोसिटी कभी मैक्सिमम होती है, कभी जीरो, देखो वेलोसिटी कभी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम नेगेटिव साइड में, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। इसको बोलते हैं SHM। काइनेटिक एनर्जी SHM नहीं कर रही है। SHM की कंडीशन थी कि इस ग्राफ को फॉलो करो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी चलेगा, पर ये स्क्वायर वाले ग्राफ SHM नहीं होते। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है, अभी कहानी आगे है, अभी तो स्टार्ट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक सब थे, एक्स वी ए, एक्सेलरेशन ग्राफ भी पीरियोडिक है, एक्सेलरेशन SHM भी कर रहा है। मैं अभी बताऊं, आज यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं हम कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ए वर्सेस टी होता है लेक्चर तो बोरिंग होने दो। ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, ये साइन का ग्राफ नेगेटिव में, ये बनेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो है, टी बाई फोर पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में मैक्सिमम, टी बाई टू पे फिर जीरो, थ्री टी बाई फोर पे पॉजिटिव में मैक्सिमम, और टी पे जाकर फिर से जीरो। यानी एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू को एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा। शुरू में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, टी बाई फोर के बाद मैक्सिमम, टी बाई टू के बाद जीरो, थ्री टी बाई फोर के बाद मैक्सिमम, टी के बाद जीरो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ऑसिलेट कर रही है, यानी एक्सेलरेशन अपने आप में एक SHM कर रहा है। एक तो पार्टिकल का SHM हो ही रहा है, पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो खुद भी क्या कर रही है, SHM। एक्सेलरेशन की वैल्यू पीरियोडिक तरह से खुद को रिपीट कर रही, और वो पीरियोडिक मोशन SHM के अंदर आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वेशन साइन ओमेगा टी से डिफाइंड है, जो कि SHM की इक्वेशन होती है। आर यू गेटिंग, किसी चीज का पीरियोडिक होना और उसका SHM होना अलग अलग बात है। काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है पर SHM नहीं है, पीरियोडिक तो है पर SHM के लिए ये इक्वेशन होती तब SHM मानते हम, ये SHM की इक्वेशन नहीं है। एक्सेलरेशन पीरियोडिक भी है और SHM भी है, zoom, 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 zoom. मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम इन पॉजिटिव जीरो, मैक्सिमम इन पॉजिटिव जीरो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में, अभी और कहानी चलेगी। अब सुनो असली बात,
अगर SHM की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये सब गंदगी मिटा दो, SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो x के घूमने की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, v के घूमने की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, a के घूमने की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, पर काइनेटिक एनर्जी के घूमने की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी SHM नहीं है पर पीरियोडिक है, पर इसके पीरियोडिक की फ्रीक्वेंसी बाकी से डबल है। अभी ये भी समझ में आएगा, रुको रुको रुको, आराम से बता, आराम से देख, किसी का भी ग्राफ, मुझे किसी का भी ग्राफ दो, v का, a का, जिसका बनाओ, a का बनाओ, किसी का, मैं प्रूफ करता हूं अभी कि कैसे काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इनके डबल है। चलो एक ग्राफ, माइनस साइन ओमेगा टी, ये वाला ग्राफ बनेगा, बस एक सेकेंड, हाँ ये ग्राफ बनेगा। आप सुनो, एक टाइम पीरियड में एस्केलरेशन की कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, एक साइकिल, ये एस्केलरेशन की एक साइकिल है, जीरो मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो, ये हुआ कंप्लीट एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब वापस कंप्लीट वही मोशन हो, मतलब और समझाता हूं, और समझा, मतलब समझो और समझाता हूं, इसको मैं मिटा सकता हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब समझो, 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 बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं, सवाल एक ही बार आया 1987 में, बट जो कॉन्सेप्ट है वो किताबों में लिखा होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या बात हो रही है, समझना, ये मैंने आगे तक बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ग्राफ का कितना पार्ट मैं काट लूं, ग्राफ का कितना पार्ट मैं काट लूं जो बार बार रिपीट हो रहा, उसको बोलते हैं पीरियोडिक। यहां तक एक टाइम पीरियड होगा, ये हो गया टू टाइम, क्या इतना पार्ट काट कर मैं चिपकाऊं तो वही चीज रिपीट हो रही है, इतने पार्ट को बोलते हैं एक साइकिल, जिसको आप काट के चिपकाओ तो वही चीज रिपीट हो, यानी एक टाइम पीरियड में इसकी कितनी साइकिल हुई, वन, एक टाइम पीरियड में जितनी साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है, बस माना, नहीं आया, एक टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन कितनी साइकिल घूमा, अपनी एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट किया, एक टाइम पीरियड में जितनी साइकिल होती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी 1। जरा काइनेटिक एनर्जी को देखो, कितना पार्ट काट लें जो बार बार रिपीट हो रहा, क्या इतने पार्ट से काम चलेगा, नहीं, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, देखो इस पर रखो, उठा के यहां रखो, नहीं छुप रहा, इसको उठा के पूरा यहां रखो, पूरा छुप जा रहा है, इतना मतलब इतना तो नहीं है, क्या इतना सही है, देखो ध्यान से, ये यहां से उठाओ फिर इस पे रखो, मतलब एक टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी ने अपने पीरियोडिक मोशन की 2 साइकिल कंप्लीट की। ये देखो एक साइकिल है, मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम, उसको नेगेटिव होना ही नहीं है, कह गए जीरो मैक्सिमम जीरो, खत्म उसकी साइकिल, मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम, एक साइकिल खत्म, ये दूसरी साइकिल, देखो यहां से उठा के देखो, इसके ऊपर पूरा कॉपी हो रहा है, जितनी भी साइकिल होंगी इसी पे कॉपी होगी, यानी एक टाइम पीरियड में ये कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा दो, तो अगर एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2, जैसे एक्सेलरेशन की वैसे वेलोसिटी की होगी, ये सब तो साइन कॉस के ग्राफ है, ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, आप समझ में आया, तो पहली बात काइनेटिक एनर्जी SHM नहीं है, पीरियोडिक है, दूसरी बात इसकी फ्रीक्वेंसी x v a के डबल है, क्लियर है। अब ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी भी तुरंत समझ जाओगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपसे पूछूंगा SHM की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो फॉर्मूला होता है हाफ k x स्क्वायर, k होता है m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा, इसका ग्राफ भी करीब करीब सिमिलर बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, टी की वैल्यू 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, आप देख रहे हो ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये ग्राफ बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं, ये हो गया टाइम पीरियड, डेफिनेटली ये ग्राफ बनेगा, टेंशन मत लो। अब x की वैल्यू चेक कर लो, x की वैल्यू चेक कर लो, ये कितना है t by 4, ये कितना है t by 2, ये कितना है 3t by 4, मना ही कुछ नहीं, चेक करो t by 4 पे x की वैल्यू चेक करो, t by 4 पे x की वैल्यू बताओ, t by 4 रखो कि ओमेगा 2 पाई by t, t t कैंसिल, sin 90, sin 90 वैल्यू 1, x की वैल्यू a आएगी, यानी half m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, देखो सही सही आएगा।
अब मुझे बताओ क्या ये SHM है? नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी SHM नहीं है पर पीरियोडिक दिख रही है और ये भी एक टाइम पीरियड में दो साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बाकी चीजों से डबल। 1987 में सवाल आया था कि कोई SHM है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर F है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2F। क्लियर है? तो आज मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करूंगा। आई होप आपको ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया हो। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।